क्वेश्चन नंबर नाइन इसमें गिवन है कि टू सर्कल्स ए दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ बी और सी पॉइंट गिवन है जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं इस फिगर में हमें फाइंड करना है एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी एंगल ए सी पी ये एंगल है और एंगल क्यू सी पी क्यू सी डी इक्वल टू ये एंगल है देखो ये सिंपल सा वन मार्कर क्वेश्चन है हम थोड़ी देर के लिए एंगल बी डी क्यू को एंगल वन ले लेते हैं और साथ में इसका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है उसको एंगल टू ले लिया हमने अब इसमें प्रूफ स्टार्ट करते हैं पहले तो हम एक थ्योरम को डिस्कस करते हैं जो हम पहले भी किसी क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन हम आई थिंक वन और या टू में डिस्कस कर चुके हैं अगर हम एक ही आर्क से सर्कल पे बहुत सारे एंगल ड्रॉ करें तो सारे एंगल इक्वल होते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल देखो ये सारे एंगल इक्वल होंगे इसी थ्योरम को कंसिडर करते हुए यहाँ डी क्यू को कंसिडर करो डी क्यू से इन इस स्मॉलर सर्कल पर दो एंगल बने हुए हैं एक है एंगल क्यू सी डी और दूसरा है एंगल वन क्यू सी डी ये वाला एंगल और ये वन दोनों इक्वल हैं तो एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल वन एंगल्स ड्रॉन इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल यहाँ मैंशन कर देंगे एंगल्स ड्रॉन इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल सिमिलरली यहाँ ए पी अगर आर्क को देखें हम ए पी आर्क से इस लार्जर सर्कल में दो एंगल बनते हैं एक एंगल है हमारा ए ए सी पी और दूसरा एंगल टू है एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल टू सेम रीजन एंगल्स इन द सेम सेगमेंट एंगल एंगल है दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल इनके करती हैं तो इनके ये और ये एंगल इक्वल होते हैं दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखो इन तीनों को अगर कंक्लूड करें क्यू सी डी एंगल वन के इक्वल है एंगल वन एंगल टू के इक्वल है और एंगल टू ए सीपी के इक्वल है इट मीनस फ्रॉम वन सपोज ये वन है ये टू है और ये थ्री है थ्री क्वेश्चन आ गई फ्रॉम वन टू थ्री एंगल क्यू सी डी इक्वल टू एंगल ए सी पी तो ये छोटा सा क्वेश्चन था जो प्रूव हो गया है